कोटा में नगर विकास न्यास और सार्वजनिक निर्माण विभाग मेडिकल कॉलेज में भवन निर्माण कार्य में जुटा है। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 29 करोड़ रुपए की लागत से द्वितीय तल का निर्माण पीडब्ल्यूडी को करना था, जो कि 3 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ नगर विकास न्यास उससे भी 3 गुना ज्यादा काम तय समय में ही पूरा कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में जून 2018 में द्वितीय तल का निर्माण शुरू करवाया गया था। इसमें पीडब्ल्यूडी को 2 साल में काम पूरा करवाना था, लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय गुजर गया है और अभी भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहले तो बजरी की कमी बताते रहे, इसके बाद कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से अस्पताल में काम बंद होना बता दिया गया। साथ ही लेबर की भी कमी बताई गई। बताया जा रहा है कि अभी भी निर्माण कार्य में 2 महीने लग सकते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस रहे हैं। पहले तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बजरी पे कुछ रोक लगाई थी काफ़ी टाइम, तो वो रीज़न रहा। फिर उसके बाद में कोविड पिछले 1.5 साल से जो चल रहा है, पहली प्रथम लहर और दूसरी लहर, उसमें लेबर्स की, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी ने बताया कि लेबर्स के आने में जाने में यार वो प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी वो। और तीसरा रीज़न अभी ये है कि हम जो 270 बेड हैं उनको सबको पूरे को ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं, ऑक्सीजन लाइन बिठा रहे हैं। मैं उम्मीद है आगामी 1-2 माह में तैयार हो जाएंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज के जेके लोन और MBS अस्पताल में 1 इंडोर और 2 आउटडोर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिसमें 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज से 3 गुना ज्यादा निर्माण कार्य है। जेके लोन अस्पताल में 156 बेड का इंडोर है, जिसमें PICU और NICU भी शामिल है। इसके अलावा OPD ब्लॉक में इन्वेस्टिगेशन लैब, रजिस्ट्रेशन एरिया, ICU, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर सहित सेमिनार रूम का निर्माण कार्य भी चल रहा है। नगर विकास न्यास ने बीते साल मार्च में जेके लोन और MBS अस्पताल में OPD और इंडोर ब्लॉक का निर्माण शुरू किया था। शिलान्यास के बाद देश में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें मई 2020 में छूट दी गई। इसके बाद कार्य ने यहां गति पकड़ी और 1 साल के भीतर ही 5 मंजिला OPD ब्लॉक पूरी तरह से खड़ा हो गया। इसमें अब फिनिशिंग का कार्य करवाया जा रहा है। UIT के अभियंताओं का कहना है कि कार्य अंतिम चरण में है। कुछ हिस्सा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को 31 अगस्त तक ही सुपुर्द कर दिया जाएगा, यानी समय सीमा के आसपास ही काम पूरा होने की उम्मीद है। अस्पतालों में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम 3 बिल्डिंग 70 करोड़ की लागत से 3 बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। एक MBS हॉस्पिटल की जो है OPD ब्लॉक बनाई जा रही है, इसकी 40 करोड़ की लागत है। तो ये अक्टूबर नवम्बर तक ये बिल्डिंग पूर्ण होकर मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द कर दी जाएगी। और इसी के समीप जो है 30 करोड़ की प्रोजेक्ट से एक दूसरा अलग प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, जिसमें 156 बेडेड पेडियाट्रिक इंडोर ब्लॉक है। ये भी सब जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है इनको भी पूर्ण करने की संभावना। इस तरह सामने आया है कि UIT के काम करने की गति काफी तेज है, जबकि PWD की गति UIT से आधी भी नहीं है। मनीष गौतम, ETV भारत, कोटा।